नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सेरेमिक कोटिंग या फिर कुछ लोग उसे कार कोटिंग भी बोलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम मेनली 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट कि क्या होता है सेरेमिक कोटिंग, सेकंड इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, थर्ड इससे क्या क्या नुकसान हैं, फोर्थ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको सेरेमिक कोटिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, फिफ्थ अगर आप कराना चाहें तो आपको ऑलमोस्ट कितनी प्राइस पड़ती है एक सेरेमिक कोटिंग करानी। फर्स्ट आइए जल्दी से जानते हैं क्या होता है सेरेमिक कोटिंग। सेरेमिक कोटिंग एक तरह की लेयर होती है जो आपकी गाड़ी पर चढ़ाई जाती है लिक्विड की फॉर्म में आपकी गाड़ी को अच्छे से क्लीन करने के लिए। सेकेंड अगर बात करें इसके फ़ायदों की, एडवांटेजेस की, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपकी गाड़ी के लुक्स को बहुत इन्हेंस कर देती है एंड ये आपकी गाड़ी को एक बहुत प्यारा सा ग्लॉस देती है, बिल्कुल नई गाड़ी जैसा। और ये आपकी गाड़ी को हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे यूवी रेज और केमिकल स्ट्रेन से भी प्रोटेक्ट करती है। केमिकल स्ट्रेन्स मैं बता दूँ, जैसे आपकी गाड़ी पर कोई भी अनवांटेड केमिकल गिर जाता है जो आपकी गाड़ी के पेंट को ख़राब करता है, ये उससे भी आपकी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करती है। एक इसका लास्ट एडवांटेज ये है कि आपकी कार की बॉडी को हाइड्रोफोबिक बना देती है, जिससे कि आप अपनी कार को अगर क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो उससे आपकी कार की बॉडी के ऊपर वाटर स्पॉट्स नहीं रहते। ये थे इसके फ़ायदे। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे इसके नुकसानों के बारे में। आई थिंक सेरेमिक कोटिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये आपकी कार को स्क्रैच प्रूफ नहीं बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि इससे उनकी कार की आउटसाइड स्क्रैच प्रूफ हो जाती है, उस पर स्क्रैच नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, उस पर स्टिल स्क्रैच आ सकता है। इसका लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसका एप्लीकेशन बहुत कॉस्टली होता है, स्टिल उसके बाद आपको अपनी कार वॉश करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसे आप कराने के बाद आपको अपनी कार वॉश नहीं करनी पड़े। अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं आपको दो टिप्स दूंगा। टिप नंबर वन, करा लीजिए, आपका काफ़ी टाइम बचता है, इजीली कार क्लीन हो जाती है और ये आपकी कार के लुक्स को, आउटसाइड लुक्स, इनसाइड लुक्स को बहुत इनहेंस कर देता है। टिप नंबर टू, अगर कोटिंग करानी है तो किसी अच्छी जगह से ही कराएं, 1-2 हज़ार रुपये कम के चक्कर में किसी बेकार जगह से नहीं कराएं, क्योंकि वो जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। एट लास्ट बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग आप कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज इसकी प्राइसिंग आपको 10,000 to 14,000 के बीच में पड़ जानी चाहिए आप कहीं भी रहते हों। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।